बोल दे नर्मदा मैया की जय। अरे बिना तरवर एक पेड़ देखा न ढाला नवी नवी जय। बिना पंख को हाथ देखा वो गगन मंडल उड़ी। अपना पूर्वज लोग को सराद चरे जी जा वाह वाह उनको सराद देवन तू दूध मांगे लाओ जी धन्नो कबीर गाजी महाराज वाह वाह अपना गुरु रामानंद जी महाराज की वाह आज्ञा को पालन करता हुआ जी हाथ में बाल्टी ले वाह वाह गांव में दूध मांगने के गया जी तो वाह वाह नाना भाई जी कबीर साहब मन में विचार करे कोई फुकारी अपना को दूध दे वाह वाह तो ले जानो जी तो पच्छा भली रीता चली जानो जरूर संत का वाह वाह आवत हर से नहीं जी आवत हर से नहीं नैनन नहीं सने वाह वाह तुलसी तहां ना जाइए छा कंचन बरसे में जी अगर हम कोई का घर घर गया वाह वाह और उनका भीतर अगर खुशहाली नहीं देखाई नहीं नहीं तो वहाँ सोना को ढेर क्यों नहीं लगेल होए जरूर हम वहाँ नहीं जाना का नहीं कबीर गाजी महाराज पूरा गांव फिरी ना वाह वाह वापस आएगा जी रास्ता माई ने देखा वाह वाह एक मरेल गाय आता पड़ेल था जी कबीर गाजी महाराज गाय का पास बैठी जाए वाह वाह और गौ माता से कहे मां जी गुरु महाराज का पूर्वज लोग को सराज छे जरूर तुम दूध दे दो वाह वाह तो नाना भाई की बताओ कि मरेल गाय का दूध दी सक हो ही सक दी भी दे कबीर दास जी महाराज मन में विचार करे कि गाय एक दो दिन की आड़ी पड़े छे जी या हो सक कि चारो खाए का कोई दूध देगा वाह वाह कबीर दास जी महाराज इसी समय पर चारा को फूलो नाख जी कई मरेल गाय खाई सक नहीं नहीं कबीर दास जी महाराज विचार करे कि होय नहीं होय माता से चारा चरेल होए जी पर पानी से प्यासी होए वाह वाह कबीर दादा महाराज ने पानी की बाल्टी रखी पर मरेल गाय का पानी पी सका नहीं इधर सुबह से निकलेल था वाह वाह शाम का चार बजन लगया जी रामानंद जी महाराज विचार करे कि कभी सुबह से गयो वाह वाह अभी तक आए नहीं दूध धरा तो नहीं होना को रामानंद स्वामी कभी का सामना लेने के गया जी तो वाह वाह कबीर का देखो तो गाय माता का सामना जी दूध दीद माते से दूध दीद करी रहा वाह वाह रामानंद जी महाराज कबीर का कह के कबीर वाह वाह अरे दुख तो मन दूध लेने को भेजो जो तू मरेल गाय का पास बैठेल छे अरे कबीर बाबा का दादा वाह 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 गांव में गयो तो गांव में मन दूध मांगे कोई ने नहीं दियो नहीं सब जमई दियो या गौ माता का पास आओ बैठेल छे वाह वाह या माते से मन दूध दे तो तुम्हारा पास दूध लेना जी रामानंद जी महाराज कहे कि कबीर तूने पूरा सरा बिगाड़ दिया रे पर चाय नहीं बना रहे कबीर बाबा का वाह वाह दादा जी ये बताओ पूर्वज लोग तुम्हारा वाह वाह जिनको तू सरा दे रहा अरे ये लोग तुम्हारा ये गांव से घर से देश से एरिया से जेल कब का छे वाह वाह तो रामानंद स्वामी का कही जी कई का 10 साल वाह वाह कई का 20 साल वाह वाह कई का 50 साल जी जी कोई का 100 और कोई का 500 साल होगा जरूर भैया उनके आप क्या धूप देवा वाह वाह कबीर बाबा के महाराज वाह या गाय जब एक दो दिन की मरे छे जी या तो दूध दी सक जी जी या 10 50 सौ 500 साल का लोग अपनी धूप का स्वीकार कर सक वाह ये गाय माता का अपने दो दिन की मरी हुई दूध दी सक दी देगा रामानंद जी महाराज कहे कि कबीर तू पागल हो अरे
अरे गांव में बड़ा दानी गुणी और ज्ञानी लोग छे तू वहां गए तो दूध ले दिया और सब यही बैठे कबीर बाबा का वाह वाह नहीं महाराज जी जी गांव में हम गयो बड़ा भाई चर्चा सुनने आयो अरे रामानंद जी महाराज का कौन सी वाह कबीरदार जी कर लगेगा जी अरे बड़ी गजब की वाह सुनी एक बात अरे देखियो अरे वहाँ लोग चर्चा ये करता था कि शेर गाय को चरा जरूर रामानंद स्वामी कहे कि कबीर तू कहीं कहीं रहे वाह अरे शेर तो सदा गाय को खाए नहीं जी कबीर बाबा कहे कि नहीं नहीं गुरु महाराज अरे अरे बड़ी गजब की सुनिए कबार बदमाशी कबीर साहब भाई की कई भारी बात का झूठ मानी रहा जी अरे गुरु महाराज मैं ये गांव के अंदर ये गरुड़ की सुनी देखे ना आया अरे रामानंद कई कई देखो जी जी कबीर का वाह एक माय स्वयं था हां अरे सोई थी डोकरी ओ मारा बा अन घोरवा की खाट ओले तन को पानी मंगरी जा महाराज रामानंद जी तक के गुरु महाराज जी जी सोई थी ढोकरी अटपटा शब्द बोले क्यों वाह वाह कबीर बाबा का दादा कही हमारी बात समझ में नहीं आई रही नहीं नहीं रामानंद कहे कि नहीं जी जी कबीर फिर कर लगी जाए वाह वाह अरे तड़का गर नाना भैया जी जी कबीर नासो कयो वाह वाह कि हमारी समझ से परे छे जी अरे तड़का गर घागर पपनिया खेला वो की माँ
एक भाई पानी लेने कुआं पर जाता था। अरे गुरु महाराज उनका सिर के ऊपर को घड़ोल का पान का नीचे ठेला जाता था। दल्लो घागर घागर का ऊपर पनियार जी जी पनियारी वो पानी का घड़ा का ऊपर जी पानी लेने के जाता था। अरे गुरु महाराज माता ना की गोदी में सदा बालक हमना सबना देखा जरूर पर मैंने ये देखो बालक की गोदी में उनकी माँ थी। दल्लो अरे घागर घागर पर मान्यवर हमारे गोलू भैया ये गांव निवासी चारखेड़ा के हैं। इनका और थोड़ा दान दर भेंट होए साथे साथ राकेश जी भैया चारखेड़ा के बाद इनका और पर पनिया बालक की गोदी में खेलो की मां भैया। अरे कबीर का गाया का जिन्न भी गायो ज्ञानी लोग ने ना कहो वाह वाह कबीर का गाया का चिन्ह भी गायो जी वो तीन ही लोग नमक गोता खायो जी पर कबीर का खोजा का चिन्ह खोजो वाह वाह उनका रे वो तीन ही लोग में सूझो वाह वाह कबीर दास जी महाराज अपना गुरु महाराज से कह दादा रे कई तुम्हारी बात को झूठ माना जी तड़ घागर घागर पर पनियार वाह वाह बालक की गोदी में खेलो की माय बाजी रामानंद स्वामी कहे की समझ में बात मखनी आई नहीं नहीं कभी फिर का गुरु महाराज मन देखी ना जो कहिरो जी अरे चूलो फूका तो फूक चूल्हा मारता था रे और धुआं कहां निकलतो थो बाजी पानी का पिंडा में पानी का पनिहारा में। अरे चूलो फूका तो कड़वा जी भाई वाह 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 बड़ा अनमोल शब्द छे। अरे चूलो फूका तो बरेंड धुंदा वाह वाह रोटी बनाऊं ने करो गुरु महाराज चूल्हा में फूक जी मारा वाह वाह धुआं पानी का पनिहारा मसे निकल बराबर चूल्हो फूका तो बरंडी धुंधाए वाह वाह रोटी जी बनाने का रोटी खाए बराबर जबकि बनाना वाले न रे माता बहन न जी जन रोटी बनाई रे कहीं रोटी खाई सका नहीं नहीं कबीर बाबा कहे कि है गुरु महाराज जा रोटी बनाती थी जी वो खवा रोटी न खाई गई बराबर रामानंद बाबा कहे कि कबीर जी अरे सच्ची महात्मा पागल हुई गो वाह वाह आता उल्टा क्यों बोल बोला नहीं नहीं कबीर दास जी महाराज कहे कि गुरु महाराज ये बात हमारी कहीं तुमको मंजूर नहीं होती नहीं नहीं रामानंद जी महाराज कहे कि बिल्कुल नहीं रे कबीर फिर कर लगी जाए वाह जी अरे वो चढ़ खेड़ो वाह वाह कहीं कहो जी अरे वो चढ़ खेड़ो झुरमट को बाजार वाह वाह बकरी बेच का सही बकरी बेच का सही कमाई ओ जड़ के
भीतर गुरु को नाम नहीं हो नहीं एका भीतर भगवान की मूर्ति बैठाली हो जी जी उज्जड़ कर उज्जड़ जरूर उज्जड़ खेड़ो झुरमट को बाजार बकरी बेचक कसई कमार धन हो कबीर सुनो भाई साध जी जी कहता कबीर सुनो भाई साध यो पंथ को कोई करो विचार अरे दादा संतन की वाणी बड़ी अटपटी छे जी तो पूरण ब्रह्मा अवतारी गुरु जी महारो अरे Yeah.